डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ काकदीप एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडार्ड थ्री इंग्लिश कराच्छी। तुम्हारे निश्चय मन आगे क्लैसे हमें लेसन 13 अर्थात द फार्मर एंड द मैंगो ट्री चैप्टारे एक्टिविटीजगुलो नहीं आलोचना चलती और सेगल बोर्ड वर्क करविटी 1, 2, 3 हो गए। आज हमें तरपे एक्टिविटीजगुलो नहीं आलोचना करब ए बोर्ड वर्क करब। तुम्हारा सबाई तुम्हारे बई नाओ, खाता नाओ एवं पेन नाओ। तुम्हारा तुम्हारे बोयेर पृष्ठा पेज 65 खोलो। सबाई देखो एक्टिविटी 4 की करते हुए देखो। हेयर आर साम डुइंग वार्डस एड इडी टू दिज वार्डस। बोझे एखे किछु क्रियापद आछे तार संगे इडी जोग करो। एखन डुइंग वार्डस माने भार्ब, जाके आमरा भार्ब बोली। हाँ, सेई भार्बेर संगे इडी जोग करते बोलेछे। देखो आमरा करा शुरू करी, तुम्हरा खाताय करो, तुम्हरा सबाई खाताय करते शुरू करो। प्रथम कि आछे देखो, स्टार्ट START एर संगे इडी जोग करले कि हबे, स्टार्ट थेके STARTED स्टार्टेड। नेक्स्ट देखो तारपर कि आछे, वार्क WORK एर संगे इडी जोग करले हबे, वार्क WORKED। नेक्स्ट मैच MATCH मैच, मैचर संगे इडी जोग करले हबे, मैच MATCHED मैच। नेक्स्ट कि आछे देखो, जम्प JUMP एर संगे इडी जोग करले कि हबे, जम्प JUMPED जम्प। नेक्स्ट कि आछे देखो, लिसन LISTEN लिसन एर संगे इडी जोग करले हबे, LISTENED लिसेंट। चलो नेक्स्ट पेजे जाओ, पेज 66 देखो कि आछे सेखाने एक्टिविटी फाइव देखो कि करते बोलेछे, मैच द फॉलोइंग वार्ड्स उइथ देयर अपोजिट्स। बोलछे दोआ शब्दगुलोर विपरीत शब्दर संगे मैच करो, तो मेलाओ। तो कि आछे देखो, बाम दिके एर दिके आछे देखो, ओल्ड शार्प फिनिश स्वीट हैपी। डान दिके बी कलमे आछे देखो, बीटा स्टार्ट सैट यंग ब्लंट। देखो आमरा एबारे अपोजिटगुलो मैच करे फेले एसो। ओल्डेर अपोजिट कि हबे, ना ओल्ड थेके यंग, ओल्ड OLD ओल्ड थेके कि हबे, यंग, ओल्डेर अपोजिट YOUNG ओल्ड थेके यंग। तारपर देखो कि आछे, शार्प थेके हबे ब्लंट शार्प SHARP शार्पर अपोजिट हबे ब्लून BLUNT। नेक्स्ट तारपर देखो फिनिश FINISH फिनिशर अपोजिट हबे स्टार्ट START स्टार्ट फिनिश थेके हबे स्टार्ट। नेक्स्ट कि आछे देखो, स्वीट SWET स्वीट स्वीटर अपोजिट हच्छे बीटा BITER स्वीट स्वीट थेके हलो बीटा। नेक्स्ट कि आछे देखो, हैप्पी HAPPY हैप्पी अपोजिट हच्छे सैड SAD हैप्पी अपोजिट हलो सैड। नेक्स्ट तारपरे कि आछे देखो, एक्टिविटी 6 देखो कि आछे, हु मेड दिस स्टेट्समैन এই কথাগুলো কে বলেছিলো। আমরা ছকটা দেখো, একদিকে স্টেটসম্যান দেওয়া আছে আর একদিকে দেওয়া আছে হু সেইড। আমরা আগেই ছকটা লিখে ফেলে এসো। প্রথমে দেখো কি আছে অ্যাক্টিভিটি 6-এ, প্রথমে দেওয়া আছে স্টেটসম্যান STAT
ई स्टेटमेंट्स MENTS स्टेटमेंट्स और एकदिगे आछे हू सेड एकदिगे आछे हू सेड हू सेड आमरा एटा छोटा करे निये एसो और एकटु सरिये करि देखो एक दिन स्टेटमेंट की आ डोंट कट डाउन दिस ट्री डोंट कट डाउन दिस ट्री हु सेड के बोले चिलो तो हमरा निश्चय जानी जेटा द स्पैरोस बटरफ्लाइज एंड स्क्विरल बोले चिलो क्या क्या बोले चिलो बट स्पैरोस बटरफ्लाइज एंड स्क्विरल्स तो लिखे पहले ऐसो आंसर आवे द स्पैरोस स्पैरोस बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज एंड स्क्विरल्स एंड स्क्विरल्स तापर देखो कि आछे डेटा ए बीहाइव फुल ऑफ हनी लिखे बोले सबाई ए बीहाइव ए बीहाइव फुल ऑफ हनी फुल ऑफ हनी এটা কে বলেছিল এটা হচ্ছে ফার্মার বলেছিল তাই না তাহলে লিখে ফেলো দা ফার্মার দা ফার্মার নেক্সট তিনের জায়গায় দেখো কি আছে হাউ সুইট লিখে বলো সবাই খাতায় হাউ সুইট এটা কে বলেছে এটাও দা ফার্মার বলেছে তাই এর অ্যানসার লিখে ফেলো দা ফার্মার নেক্সট দেখো চারের দাগে কি আছে দেখো হাউ ফুলিশ আই ওয়াজ খালি লিখে বলো সবাই হাউ ফুলিশ I was এটা কে বলেছে এটাও ফার্মার বলেছে তাই না তাই आंसर হবে তাই হুজ সেড করে লিখে ফেলো দা ফার্মার দা ফার্মার নেক্সট পাঁচের দিকে দেখো কি আছে পায়ে কি বলছে নো ট্রি ক্যান বি ইউজলেস কোনো গাছই অকেজ হতে পারে না এটা কে বলেছে ফার্মার বলেছে পাঁচটা তুলে ফেলে সবাই খাতায় নো ট্রি ক্যান বি ইউজলেস নো ট্রি ক্যান বি ইউজলেস হু সেড তো এটা কি বলেছে এটা দা ফার্মার বলেছে অ্যানসার লিখে ফেলো দা ফার্মার দা ফার্মার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ বাড়িতে সবাই পড়বে এবং লিখে লিখে অভ্যাস করবে আজ এই পর্যন্ত বাকি অ্যাক্টিভিটিসগুলো পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব।
थैंक यू।